गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब? चलिए जी, टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा, चैप्टर 11 कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 11 में जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज मेथड ऑफ फंडिंग। मेथड ऑफ फंडिंग टॉपिक का मतलब क्या बनता है पहले हम समझेंगे, उसके बाद इसके जो पॉइंट है उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी कोई इंडियन पार्टी फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो उसको जो इंडियन पार्टी है उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, जब भी कोई इंडियन पार्टी फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी तो इंडियन पार्टी को फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो, फॉरेन करेंसी अरेंजमेंट कहाँ से की जाएगी, उसके लिए आपको ये टॉपिक दे रखा है कि हमको जब भी फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब जब भी हमको ओडीआई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है, उसके लिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए करेंसी चाहिए होती है, वो करेंसी कहाँ से अरेंज होगी, उसके लिए टॉपिक आपको दे रखा है। तो पॉइंट नंबर वन लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट इन एन ओवरसीज जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरीज मे बी फंडेड आउट ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस। तो कह रहा है कि जब भी कोई एक इंडियन पार्टी फॉरेन में किसी जेवी में या फिर WOS में इन्वेस्ट करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है सर, किसी जेवी में या किसी WOS में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पैसों का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ से किया जाएगा, उसके हमारे पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एडी बैंक इन इंडिया। जो इंडियन पार्टी फॉरेन में ODI करना चाहती है, उस इंडियन पार्टी का इंडिया में एडी बैंक के पास, एडी बैंक मतलब ऑथोराइज डीलर बैंक, उसके पास एक अलग से अकाउंट ओपन करवाया जाएगा ताकि वो इंडियन पार्टी उस अकाउंट के अंदर फॉरेन करेंसी मेंटेन कर सके। ठीक है, या फिर एडी बैंक से इंडियन पार्टी क्या करेगी, एडी बैंक को रुपीस पे करेगी और बदले में फॉरेन करेंसी लेगी उस कंट्री की जहां पे हमको इन्वेस्टमेंट करना है। तो पॉइंट नंबर वन में क्या लिखा, पॉइंट नंबर वन में ये लिखा हुआ है कि इंडियन पार्टी का जहां पर भी एडी बैंक में अकाउंट होगा वहां पे आप रुपीस के बदले में फॉरेन करेंसी ले करके ODI के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेकंड लिखा हुआ है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, किसी भी इंडियन पार्टी ने कुछ एक्सपोर्ट किया फॉरेन के अंदर, मान लो कि कोई इंडियन पार्टी है उसने US में कुछ एक्सपोर्ट किया, ठीक है, और एक्सपोर्ट करने के बदले में उस इंडियन पार्टी को क्या मिल रहा है सर, US डॉलर्स मिल रहे हैं। तो उस इंडियन पार्टी ने क्या नहीं किया, वो US डॉलर्स अपनी कंट्री में रिपैट्रिएट नहीं किए, मतलब अपनी कंट्री में हम वो US डॉलर्स लेकर के नहीं आए हैं, हमने अमेरिका में US डॉलर कमाए एक्सपोर्ट करने के बदले में, और वहीं के वहीं हमने किसी JV में किसी WOS में इन्वेस्ट कर दिए, उसको हम बोल रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है स्वैप ऑफ शेयर्स, कि हम जिस फॉरेन एंटिटी के शेयर परचेज करना चाह रहे हैं, जिस फॉरेन एंटिटी की ओनरशिप गेन करना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, उस फॉरेन एंटिटी की ओनरशिप गेन करेंगे, मतलब उस फॉरेन एंटिटी के हम शेयर परचेज करेंगे और बदले में उनको हम हमारी एंटिटी के शेयर दे देंगे। स्वैप ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर्स की अदला बदली कर लेना। तो हम क्या करेंगे, अपने शेयर फॉरेन एंटिटी को देंगे, उस JV को या उस WOS को जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और उनके शेयर हम ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको मनी कंसिडरेशन पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, उनके शेयर लेके आपने अपने शेयर उनको दे दिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, प्रोसीड्स ऑफ ECB ऑब्लिक FCCB। ECB का मतलब क्या होता है, ECB का मतलब है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब इसका मीनिंग क्या बनेगा, जब भी कोई इंडियन एंटिटी फॉरेन से लोन रेज करती है, जब भी कोई इंडियन एंटिटी फॉरेन से लोन रेज करती है, इस ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। बोरोइंग का मतलब लोन लेना, एक्सटर्नल मतलब आउट ऑफ द इंडिया, आउटसाइड इंडिया। तो जब भी कोई इंडियन पार्टी इंडिया के बाहर से लोन लेती है, उस ट्रांजेक्शन को हम ECB बोलते हैं। अब मान लो कोई इंडियन कंपनी है, उसको अमेरिका में किसी JV में या किसी WOS में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, तो इंडियन कंपनी ने क्या किया, अमेरिका से लोन लिया और लोन लेकर के वही डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट कर दिए JV और WOS के अंदर।
उसके साथ में लिखा हुआ है FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। इंडियन कंपनी को अगर फॉरेन में किसी JV में किसी WOS में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगी? इंडियन कंपनी क्या करेगी, जिस कंट्री में आपको JV या WOS परफॉर्म करना है, आप उस कंट्री में क्या करोगे, अपनी इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स इशू करोगे। इंडियन कंपनी मान लो दिल्ली में है, फॉरेन कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी है वो मान लो जर्मनी में है, ठीक है? तो दिल्ली वाली कंपनी जर्मनी में क्या करेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी। जर्मनी की पब्लिक को बॉन्ड्स इशू करके जो वहां की करेंसी हम कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसको हम जर्मनी में ही इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन एक्सचेंज ऑफ ADR / GDR। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर किसी इंडियन एंटिटी को किसी फॉरेन एंटिटी में JV करनी है या फिर WOS में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इंडियन कंपनी फॉरेन एंटिटी को ADR इशू करेगी या फिर GDR इशू करेगी और बदले में उनसे हम उनके शेयर ले लेंगे। तो इस तरीके से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसमें आपने क्या किया, फॉरेन एंटिटी के शेयर ले लिए और बदले में अपनी एंटिटी के, अपनी कंपनी के आपने ADR या फिर GDR इशू कर दिए। ADR मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। ADR ऐसी डिपॉजिटरी रिसिट है जो सिर्फ अमेरिका में इशू की जाएगी। GDR मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। और GDR ऐसी रिसिप्ट है जो अमेरिका को छोड़ के, USA को छोड़ के किसी अदर कंट्री में इशू होती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बैलेंसेस हेल्ड इन EEFC अकाउंट ऑफ इंडियन पार्टी मेंटेन्ड विद AD। इसका मतलब क्या बनता है वो देखो, EEFC अकाउंट कौन सा होता है, कोई भी इंडियन रेजिडेंट, कोई भी पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ऐसा पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट है, वो क्या करवा सकता है किसी AD बैंक के पास, फॉरेन करेंसी मेंटेन करने के लिए बैंक अकाउंट ओपन करवाता है। जो लोग इंडिया में, ऐसे लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करते हैं, ठीक है, ऐसे लोग इंडिया में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करते हैं, जनरली उनका ये बैंक अकाउंट रहता है जिसको हम EEFC बोलते हैं। इस बैंक अकाउंट के अंदर फॉरेन करेंसी मेंटेन होती है, डोमेस्टिक करेंसी कभी भी मेंटेन नहीं होती, ठीक है? कोई भी इंडियन पार्टी अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील कर रही है और डील करने से फॉरेन करेंसी उस पार्टी के पास आ रही है, तो वो EEFC अकाउंट के अंदर मेंटेन की जाएगी। और वही इंडियन पार्टी फॉरेन में JV या WOS में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो वो एंटिटी क्या करेगी, अपने EEFC अकाउंट से पैसे विड्रॉ करेगी और इन्वेस्टमेंट कर देगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोसीड्स ऑफ फॉरेन करेंसी फंड्स रेज्ड थ्रू ADR / GDR इशू। अब देखिए, ADR / GDR का हमारे पास एक पॉइंट और भी था, और लास्ट पॉइंट भी जो है वो ADR / GDR की बात कर रहा है। लास्ट पॉइंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर किसी इंडियन एंटिटी को अमेरिका में किसी JV में या WOS में इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे, अमेरिका में, तो हम क्या करेंगे, हम अमेरिका अमेरिका के अंदर अपनी इंडियन कंपनी के ADR इशू करेंगे अमेरिका में, अमेरिकन पब्लिक को। फिर पब्लिक से जो फंड्स रेज होंगे, जो डॉलर्स रेज होंगे, वो हम अमेरिका में इन्वेस्ट कर देंगे JV और WOS के अंदर। GDR की बात कर लो, किसी इंडियन एंटिटी को USA को छोड़ के किसी अदर कंट्री के अंदर किसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है एज अ JV और WOS, तो फॉरेन करेंसी चाहिए, तो आप उस कंट्री में क्या इशू करोगे, GDR इशू करोगे पब्लिक को। पब्लिक को GDR इशू करने के बदले में हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, उस करेंसी को हम वहीं के वहीं इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है? ये लिखा हुआ था लास्ट पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट नंबर 2 में, जनरल परमिशन हैज बीन ग्रांटेड टू पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर परचेज और एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज इन द फॉलोइंग मैनर। जनरल परमिशन का मतलब क्या बनेगा, कि सभी को परमिशन दी हुई है, एज पर फेमा एक्ट RBI ने सभी को परमिशन दी हुई है। सभी को, किनको, PRO PRI को, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इन सबके पास परमिशन है क्या करने की, फॉरेन में सिक्योरिटी परचेज करने की, एक्वायर करने की, ठीक है? मतलब अगर हमको इन तीन तरीकों से अगर फॉरेन के अंदर कोई सिक्योरिटी परचेज करनी है, किसको, किसी PRI को, तो आपको कहीं से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर इन तीन तरीकों के अलावा आप कहीं और से करेंसी लेकर के आ रहे हो, किसी
इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फिर आपको पहले आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब अगर आपके पास फॉरेन करेंसी इन तीन रास्तों से आ रही है, और हम फॉरेन करेंसी इकट्ठी क्यों कर रहे हैं, ताकि हम फॉरेन में कोई सिक्योरिटी परचेज कर सके किसी कंपनी की, पर इन तीन रास्तों के अलावा आप कहीं और से फॉरेन करेंसी लेकर के आ रहे हो फॉरेन में इन्वेस्ट करने के लिए, फिर आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वो तीन रास्ते कौन कौन से हैं जहाँ पे हमको स्पेसिफिकली परमिशन नहीं चाहिए? आउट ऑफ फंड्स हेल्ड इन आरएफसी अकाउंट। आरएफसी अकाउंट कौन सा होता है? रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। आरएफसी का फुल फॉर्म है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट किन का होता है? जनरली जो लोग एनआरआई होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, ठीक है, जो लोग होते इंडियन ओरिजिन के हैं पर रहते कहाँ पे हैं, विदेश में रहते हैं, जॉब के सिलसिले में या फिर बिजनेस के सिलसिले में कहाँ रह रहे हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, और उन्होंने मान लो फॉरेन में 10-12 साल बिता लिए, मतलब काफी टाइम फॉरेन के अंदर बिता लिया, अब वो वापस से अपनी कंट्री में आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब अपनी कंट्री में वापस आएंगे तो वहां पे जो इतना साल उन्होंने काम किया फॉरेन के अंदर, वहां पैसा कमाया, वो पैसा भी लेकर के आएंगे, जो कमाया हुआ पैसा उनका, तो यहाँ पे लाके वो पैसा कहाँ मेंटेन करते हैं? आरएफसी अकाउंट के अंदर। मतलब जब भी कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल जो पहले फॉरेन में रह रहा था, और उस टाइम पे जब वहां पे रह रहा था उसने मनी अर्न की थी, वो पर्सन अब इंडिया में शिफ्ट हो रहा है परमानेंटली, और साथ में अपनी वो फॉरेन करेंसी भी लेकर के आ रहा है जो उसने फॉरेन में कमाई है इतना साल काम करने के बदले में, तो यहाँ पे लाके वो कहाँ डिपॉजिट करेगा? उसको इंडिया में एक आरएफसी अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस आरएफसी अकाउंट के अंदर वो पर्सन इंडिया में अपनी सारी फॉरेन करेंसी डिपॉजिट करता है, तो उस अकाउंट के अंदर जो फॉरेन करेंसी पड़ी है उससे आप किसी भी फॉरेन कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हो। ऐसी एंटिटी, ऐसी कंपनी जो इंडिया से बाहर है, उसकी सिक्योरिटी परचेज करनी है आपको, तो आरएफसी अकाउंट के अंदर अगर पैसे पड़े हैं आपके पास, तो वहां से आप वो पैसे यूज करके सिक्योरिटी एक्वायर कर सकते हो। सेकंड लिखा हुआ है एज बोनस शेयर ऑन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी शेयर्स। कोई भी ऐसा इंडियन पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन जो रेजिडेंट इन इंडिया है, हाँ जी, तो सेकेंड पॉइंट बोल रहा है एज बोनस शेयर्स ऑन एग्जिस्टिंग होल्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी शेयर्स। सेकेंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि कोई भी पीआरआई, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, किसी पीआरआई ने ऑलरेडी क्या किए हुए हैं, किसी फॉरेन एंटिटी के शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं, ठीक है, और उन शेयर के एक्वायर करने के बदले में जो वो फॉरेन कंपनी है, वो फॉरेन एंटिटी है, वो क्या कर रही है? वो बोनस शेयर इशू कर रही है किसको? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। और वो जो उस फॉरेन एंटिटी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनमें से कुछ शेयर होल्डर इंडिया के भी हैं, इंडियन एंटिटी भी है, तो इंडियन एंटिटी इस तरीके से भी फॉरेन सिक्योरिटी एक्वायर कर सकती है। थर्ड लिखा हुआ है व्हेन नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया आउट ऑफ देयर फॉरेन करेंसी रिसोर्सेस आउटसाइड इंडिया। ये कह रहे हैं वो पीआरआई, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ऐसा पीआरआई जो परमानेंटली इंडिया में नहीं रहता, मतलब कुछ टाइम के लिए इंडिया में रहता है और कुछ टाइम के लिए फॉरेन में रहता है, और जब वो फॉरेन में रहता है तो वहां पे या तो वो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और कुछ टाइम फॉरेन में रह रहा है, कुछ टाइम इंडिया में रह रहा है। जब वो फॉरेन में रह रहा है तो वहां उसने पैसा कमाया होगा, कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स उसका होगा उस पीआरआई का, जितना टाइम भी वो एक साल में फॉरेन में रह रहा है, तो उसका जो अर्निंग सोर्स है वो अर्निंग कर रहा है, फॉरेन करेंसी कमा रहा है, उससे वो पीआरआई फॉरेन में ही किसी फॉरेन एंटिटी की सिक्योरिटी परचेज कर सकता है। ऐसा लिखा हुआ है हमारे सेकेंड पॉइंट के तीनों कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेथड ऑफ फंडिंग कंप्लीट कर लिया कि अगर हमको एज एन इंडियन एंटिटी किसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ से होगा वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इन्वेस्टमेंट नॉट अंडर ऑटोमेटिक रूट एंड दैट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ये कह रहा है कि जो ट्रांजेक्शन ओडीआई की, वो ट्रांजेक्शंस, वो इन्वेस्टमेंट जो ऑटोमेटिक रूट में कवर नहीं होती, तो वो कहाँ कवर होंगी सर? सर वो आपका अप्रूवल रूट में कवर होंगी, ठीक है। अप्रूवल रूट का मतलब क्या है? आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब
तभी आप ओडीआई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो कह रहे हैं कि अगर हम अप्रूवल रूट के थ्रू किसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको आरबीआई से परमिशन कैसे मिलती है, उसके प्रोसेस आपको डिफाइन की हुई है। स्टेप नंबर वन में लिखा हुआ है, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई वुड बी रिक्वायर्ड इन ऑल अदर केसेस ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रोड। फॉर दिस पर्पस एन एप्लीकेशन टुगेदर विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स शुड बी सबमिटेड इन फॉर्म ओडीआई थ्रू देयर ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक विद देयर स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस। स्टेप नंबर टू, द डेजिग्नेटेड एडी बिफोर फॉरवर्डिंग द प्रपोजल शुड सबमिट द फॉर्म ओडीआई इन द ऑनलाइन ओडीआई इन द ऑनलाइन ओआईडी एप्लीकेशन अंडर अप्रूवल रूट एंड द ट्रांजेक्शन नंबर जनरेटेड बाय द एप्लीकेशन शुड बी मेंशन इन द लेटर। इन केस द प्रपोजल इज अप्रूव्ड द एडी बैंक शुड इफेक्ट द रेमिटेंस अंडर एडवाइस टू आरबीआई सो दैट यूआईएन नंबर इज अलॉटेड। अब देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। अप्रूवल रूट की प्रोसेस क्या है वो हमको डिफाइन की हुई है, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। ये एक इंडियन एंटिटी है, ये क्या करना चाह रही है, ये ओडीआई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना चाह रही है। ये क्या चाहती है सर, एक ओडीआई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना चाहती है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म ओडीआई फाइल करना है कहां पे, एडी बैंक के पास। फॉर्म ओडीआई के साथ में कुछ अटैचमेंट्स, मतलब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल करने। फिर एडी बैंक क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को चेक करेगा जो एप्लीकेशन इंडियन एंटिटी ने फाइल की है। अगर सब कुछ ओके रहा तो एडी बैंक ये एप्लीकेशन आरबीआई के पास फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, इंडियन एंटिटी ने एप्लीकेशन फाइल की किसके पास, एडी बैंक के पास। एडी बैंक क्या करेगा, इस ओडीआई फॉर्म को साथ में जो अटैचमेंट्स आपने फाइल की है उसको वेरीफाई करेगा। सब कुछ ओके होगा तो एडी बैंक अपने ऑनलाइन पोर्टल के अंदर, एडी बैंक अपने ऑनलाइन पोर्टल के अंदर सारी डिटेल्स नोट डाउन करेगा। ठीक है, और एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा वो इस इंडियन पार्टी को दे देगा एडी बैंक। और फिर एडी बैंक ऑनलाइन पोर्टल में सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करने के बाद जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्म ओडीआई है, प्लस जो अटैचमेंट्स थी, वो कहाँ सबमिट करेगा, आरबीआई के पास। आरबीआई क्या करेगा, एप्लीकेशन वेरीफाई करेगा, सब कुछ ओके रहा तो एप्लीकेशन अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के साथ साथ एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू कर देगा आरबीआई, किसके फेवर में, इंडियन एंटिटी के फेवर में। पर आरबीआई कभी भी ये जो सर्टिफिकेट आएगा एप्लीकेशन अप्रूवल का, आरबीआई कभी भी वो सर्टिफिकेट डायरेक्टली इंडियन पार्टी तक नहीं पहुंचाएगा। आरबीआई अप्रूवल का लेटर प्लस यूआईएन नंबर जो होगा वो एडी बैंक को देगा। एडी बैंक फर्दर इंडियन एंटिटी के पास सबमिट कर देगा ट्रांसफर। तो ये आपको, ये स्टेप नंबर फोर हो गया हमारा और ये फाइव हो गया। इस तरीके से इंडियन एंटिटी को परमिशन मिलती है अप्रूवल रूट के थ्रू ओडीआई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने की। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, सम प्रपोजल विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। अब कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है, अगर हमको इस तरह की ट्रांजेक्शन, इन तरह की ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है जो नीचे टॉपिक में लिखी हुई है, तो हमको पहले आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना आरबीआई की परमिशन के आप ओडीआई फॉर्म में ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते,
जो ए से लेके ई तक में लिखी हुई है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन द एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्स सेक्टर एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ नेटवर्थ ऑफ इंडियन कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। ये कह रहा है कोई भी इंडियन कंपनी अगर ओडीआई की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, कहाँ पे? किसी फॉरेन एंटिटी में, और वो जो फॉरेन एंटिटी है वो कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व है सर? एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्स। मान लो कि वो जो फॉरेन एंटिटी है वो मिनरल्स वगैरह की काम में इन्वॉल्व है या ऑयल वगैरह के काम में इन्वॉल्व है, मतलब जो नेचुरल रिसोर्स होती है उस सेक्टर में इन्वॉल्व है कौन? वो फॉरेन एंटिटी जहाँ पे इंडियन कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। तो अगर इंडियन एंटिटी के जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो नेटवर्थ का 400% से एक्सीड होता है, उस केस में हमको परमिशन वैसे भी चाहिए होती है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको परमिशन लेके ही वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है, अगर आपकी नेटवर्थ के लिमिट से इन्वेस्टमेंट की अमाउंट एक्सीड कर रही है तो, अदरवाइज परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज अन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज इन द ऑयल सेक्टर बाई रेजिडेंट कॉर्पोरेट एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट्स ऑफ देयर नेटवर्थ एज ऑन द डेट ऑफ लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि अगर किसी रेजिडेंट कॉर्पोरेट को, मतलब किसी इंडियन एंटिटी को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे? किसी फॉरेन एंटिटी में, और वो जो फॉरेन एंटिटी है वो क्या है सर? अन इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब वो फॉरेन एंटिटी एक ऐसी एंटिटी है जिसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता और रजिस्ट्रेशन करवाया भी नहीं है उस फॉरेन एंटिटी ने, और वो फॉरेन एंटिटी कौन से सेक्टर में काम कर रही है? ऑयल सेक्टर में काम कर रही है। तो जो इंडियन कंपनी, जो इंडियन एंटिटी ऐसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और इन्वेस्टमेंट के जो अमाउंट है वो इंडियन कंपनी की नेटवर्थ का 400% से एक्सीड कर रहा है, उस केस में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी पॉइंट में आगे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट द प्रपोजल हैज बीन अप्रूव्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी एंड इज ड्यूली सपोर्टेड बाय अ सर्टिफिकेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन अप्रूविंग सच इन्वेस्टमेंट। अब कह रहे हैं कि जो कंपनी, जो इंडियन एंटिटी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, जिस फॉरेन एंटिटी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, पहली बात एक तो वो अन इनकॉर्पोरेटेड है, दूसरी बात ऑयल सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो इंडियन कंपनी में पहले बोर्ड मीटिंग की जाएगी, एक बीआर पास किया जाएगा, ठीक है, और उस बीआर के पास करने के साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट के लिमिट क्या है, अमाउंट क्या है, क्या हम 400% से एक्सीड की हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या कम की कर रहे हैं। अगर नेटवर्थ का 400% से एक्सीड आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बनती है तो आपको आरबीआई से परमिशन लेनी मैंडेटरी है। इसी में कंटिन्यू क्या हुआ है, हाउएवर नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ओएनजीसी विदेश लिमिटेड एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। नवरत्ना पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर रहे हैं। नौ नवरत्ना मतलब 9 गवर्नमेंट कंपनीज। अगर आप नवरत्ना कंपनी सर्च करते हो तो नवरत्न कंपनी इंडिया में कौन कौन सी है, मतलब कौन कौन सी 9 ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज है जिनको नवरत्न बोला जाता है, उसकी लिस्ट आती है। तो 9 कंपनियां तो वो हो गई, उसके अलावा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये टोटल 11 कंपनीज ऐसी है जिनको किसी अन इनकॉर्पोरेटेड फॉरन एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करना अलाउड है और वो फॉरन एंटिटी ऑयल सेक्टर में काम कर रही है, ठीक है। ये 11 कंपनियां जो इन्वेस्ट करने जा रही है या इन 11 में से कोई भी एंटिटी इन्वेस्ट करने जा रही है, इनके लिए परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर चाहे इनकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी भी क्यों ना है। अगर इन 11 कंपनीज में से कोई भी कंपनी एक ऐसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है जो एक तो अन इनकॉर्पोरेटेड है, दूसरा ऑयल सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो फिर वो जो इन्वेस्टर है, जो इंडियन कंपनी है इन 11 में से कोई भी हो सकती है, उनको कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है चाहे उनकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी भी क्यों ना है। ये लिखा हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा हुआ पॉइंट नंबर सी में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। कोई इंडियन प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है, या फिर इंडियन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, इसको ओडीआई परफॉर्म करनी है फॉरेन में, तो परमिशन की रिक्वायरमेंट है।
ट्रस्ट रजिस्टर्ड है इंडिया में, सोसाइटी रजिस्टर्ड है इंडिया में, अगर इनको क्या करना है, जेवी या डब्ल्यूएस में इन्वेस्टमेंट करनी है इंडिया से बाहर, तो इनको भी परमिशन लेनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर ई में लिखा हुआ है प्रपोजल फ्रॉम द इंडियन पार्टी फॉर अंडरटेकिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट विदाउट इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन इन जेवी और डब्ल्यूएस में बी कंसीडर्ड बाय आरबीआई अंडर द अप्रूवल रूट बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन पार्टी एंड लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री इन विच जेवी और डब्ल्यूएस इज लोकेटेड। अब देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं ऐसी इंडियन पार्टी जो लोन देना चाहती है, गारंटी देना चाहती है, मतलब कोई फाइनेंशियल हेल्प करना चाह रही है, एक इंडियन पार्टी है जो किसी फॉरेन पार्टी की, किसी फॉरेन एंटिटी की, जो फॉरेन एंटिटी है वो उस इंडियन कंपनी की क्या है, जेवी या डब्ल्यूओएस है, और उस इंडियन कंपनी का उस फॉरेन एंटिटी में कोई भी इक्विटी होल्डिंग नहीं है, जो इंडियन कंपनी है उसकी उस फॉरेन एंटिटी में कोई भी इक्विटी होल्डिंग नहीं है, फिर भी इंडियन कंपनी उस फॉरेन एंटिटी को फाइनेंशियल हेल्प करना चाहती है, तो इस तरह की ट्रांजेक्शन जहां पे इंडियन पार्टी ऑलरेडी कोई इक्विटी कंट्रीब्यूशन होल्ड नहीं कर रही फॉरेन एंटिटी में, फिर भी इंडियन कंपनी हेल्प करने जा रही है फाइनेंशियली किसी फॉरेन एंटिटी की, तो आपको आरबीआई से पूछ कैसा करना पड़ेगा, और मर्जी आरबीआई की है कि वो आपको ऐसा करने के लिए अलाउ करेगा भी या नहीं करेगा, मे बी वर्ड लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ कि जब भी आप अप्रूवल रूट के थ्रू आरबीआई के पास परमिशन मांगने जाते हो ओडीआई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने से पहले, तो आरबीआई कौन कौन सी कंडीशंस चेक करता है, कौन कौन से वो फैक्टर है जिनको आरबीआई कंसिडर करेगा अप्रूवल देने से पहले। प्राइमा फेसी वायबिलिटी ऑफ जेवी डब्ल्यूएस आउटसाइड इंडिया, आरबीआई आपकी एप्लीकेशन को स्टडी करेगा, जो एप्लीकेशन हमने ओडीआई फॉर्म में फाइल की प्लस अदर अटैचमेंट्स फाइल की थी उनको देखने के बाद आरबीआई अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि क्या उन डॉक्यूमेंट्स को देखने से ऐसा लगता है कि इंडियन पार्टी की इतना इन्वेस्टमेंट करना बस की बात है या नहीं है, मतलब प्राइमा फेसी मतलब डॉक्यूमेंट्स को देख के अपने आप को सेटिस्फाई करना कि क्या ये इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल है भी या नहीं है, क्या इंडियन पार्टी फॉरेन में किसी ऐसे सेक्टर में तो इन्वेस्टमेंट करने नहीं जा रही जहां प्रोहिबिटेड है, तो हम डॉक्यूमेंट देखते ही ऐसा पता लगा लेंगे कि जहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहां इन्वेस्टमेंट करना अलाउड भी है या अलाउड नहीं है, कितना अलाउड है और हम कितना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये सारी बातें डॉक्यूमेंट देखते ही हम समझ जाएंगे, हमका मतलब आरबीआई समझ जाएगा, तो वो डॉक्यूमेंट देख के अपने आप को सेटिस्फाई करेगा आरबीआई कि परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि आरबीआई और क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करता है परमिशन देने से पहले, कंट्रीब्यूशन टू एक्सटर्नल ट्रेड एंड अदर बेनिफिट्स विच विल अक्रू टू इंडिया थ्रू सच इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट इंडियन पार्टी करने जा रही है फॉरेन के अंदर उस इन्वेस्टमेंट को करने से इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या इंडिया को कोई बेनिफिट होने वाला है या नहीं होने वाला, ठीक है उस चीज को भी कंसीडर किया जाएगा परमिशन देने से पहले। नेक्स्ट लिखा हुआ है जो इंडियन एंटिटी फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने जाने वाली है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, प्रॉफिट्स का है लॉस का है इंडियन पार्टी का और साथ ही साथ फॉरेन पार्टी का भी, इनको भी कंसीडर किया जाएगा परमिशन देने से पहले। एंड एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, जो इंडियन पार्टी फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने जाने के लिए हमसे परमिशन मांग रही है, क्या उसको ऐसी इन्वेस्टमेंट करने का पहले से कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, क्या वो इंडियन पार्टी एक्सपर्ट है इस काम में या नहीं है, ये चीज भी देखी जाएगी। ठीक है, तो ये चार तरह के फैक्टर दे रखे हैं जिनको आरबीआई कंसीडर करता है परमिशन देने से पहले। चलिए जी अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल ईजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, ये कह रहे हैं कि जब भी कोई इंडियन पार्टी फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने का सोचती है तो हम लोकेशन कौन सी चूज करें, कौन सी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए हमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मतलब जब भी एक इंडियन पार्टी फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने का सोचती है तो फॉरेन में कौन सी कंट्री में इन्वेस्टमेंट की जाए, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, कौन सी कंट्री अच्छी रहेगी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कैसे डिसाइड होगा, उसको डिसाइड करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं, इन फैक्टर्स को आपको रीड करना पड़ता है, इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी पड़ती है,
इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन सी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे कि फर्स्ट फैक्टर दिया हुआ है ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन का मतलब क्या हुआ कि जिस जिस फॉरेन एंटिटी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो वो एंटिटी कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, वो एंटिटी जो है कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस कंट्री में हम इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं क्या वहाँ पे एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट वगैरह अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना आए। क्या एयरपोर्ट और सी पोर्ट पे गुड्स को स्टोर करने की वेयर हाउस वगैरह, गोडाउन वगैरह बने हुए हैं नहीं बने हुए, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, वो चीज़ हम कंसिडर करते हैं। रिलेवेंस टू सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल सोर्सिंग, प्रोसेसिंग, डिस्पैच ऑफ फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना या रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करना, फिनिश गुड्स रेडी करना और फिर एक्सपोर्ट करना कौन सी कंट्री में इजी रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखा जाएगा। जिस कंट्री में हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं क्या वहाँ पे टैलेंटेड लेबर मिलती है या नहीं मिलती, अच्छी टेक्नोलॉजी वहाँ पे मिलती है कि नहीं मिलती, वहाँ अच्छी सर्विसेज मिलती हैं कि नहीं मिलती, ये भी देखा जाएगा। ये था आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर। इकोनॉमिक एस्पेक्ट कि जिस कंट्री में हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं वहाँ पे कॉस्टिंग कितनी आएगी, कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कंट्री हमें सस्ती पड़ेगी, ये हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर देखेंगे। आप कॉस्टिंग के अंदर आप इसमें टैक्सेशन भी करोगे, टैक्सेशन भी कवर करोगे, सब्सिडी भी कवर करोगे कि कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे कम टैक्स में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे हम हमें पब्लिक से सॉरी गवर्नमेंट से ज़्यादा सब्सिडी मिल सकती है, कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर चीपली अवेलेबल होती है अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। ये सब चीज़ें हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, मतलब हम जब भी कंट्री चूज करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो हम ये देखेंगे कि कौन से कंट्री ऐसी है जिससे हमारे गवर्नमेंट के जो रिलेशन है वो पॉलिटिकल रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छे है, मतलब हमारी गवर्नमेंट के कौन सी कंट्री से पॉलिटिकल रिलेशन ज़्यादा अच्छे हैं, उन कंट्री को हम प्रेफरेंस देंगे इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन कंप्लाइंसेस कम होती है, वो चीज़ भी हम कंसीडर करेंगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले। नेक्स्ट लिखा हुआ है सोशल एस्पेक्ट। ट्रेड बॉडीज, इंटरेक्शन बिटवीन कमर्शियल एंटिटीज ऑफ बोथ नेशंस, एक्सपार्टेट फ्रेंडलीनेस ऑफ द नेशन फॉर रिलोकेटिंग की एम्प्लॉय पर्सनल। सोशल एस्पेक्ट में हम ये चेक करते हैं कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिससे हमारी कंट्री के लोग ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारी कंट्री के लोग जो हमारी कंट्री के लोग हैं वो ज़्यादा कौन सी कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने पे विश्वास करते हैं, मतलब सोशल के अंदर आप ह्यूमन बिहेवियर भी कवर कर सकते हो, कौन कौन सी कंट्रीज के लोग ऐसे हैं जहाँ जिनका बिहेवियर अच्छा होता है, फ्रेंडली बिहेवियर रहता है, हेल्पिंग बिहेवियर होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चेक करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। इसमें हम ये देखेंगे कि वो कंट्री कौन सी होगी जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस रहती है, मतलब अगर हम एक ऐसा काम करने वाले हैं फॉरेन के अंदर, फॉरेन में जा करके जहाँ पे टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे बिजनेस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी, तो हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड कंट्री के अकॉर्डिंग काम करेंगे। फिर हम उस कंट्री को चूज़ करेंगे जहाँ पे टेक्नोलॉजी बिल्कुल लेटेस्ट लेवल की या एडवांस लेवल की हो, मिलती हो, ताकि हमको टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी दिक्कत ना आए काम करने के अंदर, ठीक है। चलिए आज के क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा, बिल्कुल इजी टॉपिक कवर किए थे हमने आज। फिर भी कोई डाउट रहती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।